हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज एक ड्रैग रेस होने वाली है बिल्कुल अलग, जिसका कोई सेगमेंट ही नहीं है। टियागो सीएनजी कंपनी फिटेड विद एथर इलेक्ट्रिक स्कूटी, जिसकी टॉप स्पीड है 80 90 टॉप स्पीड है 80 है सर इसकी टॉप स्पीड रेटेड 80 है। चार मोड है। एथर जीतती है या टियागो जीतती है, क्योंकि ये बहुत ही अलग ड्रैग रेस है जो की अभी तक नहीं हुई होगी और इसका कोई सेगमेंट ही नहीं है। इसे हम चलाएंगे पहले से ही वॉप मोड में, जो इसका सबसे पावरफुल मोड है, उसमें बहुत कम रेंज आती है। और इसको हम चलाएंगे पेट्रोल पे। ठीक है, पेट्रोल पे चलाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है सीएनजी पे शायद हार ना जाए। हमें टियागो जितानी है। ये आती है दोनों डिस्क ब्रेक में। इस सेगमेंट में इलेक्ट्रिक स्कूटी में इसका सबसे ज्यादा नाम है, मोस्ट रिलायबल स्कूटी है, दोनों डिस्क ब्रेक है ये। ठीक है, और ये बेल्ट ड्रिवन आती है। आप देख सकते हो कि इसमें पीछे बेल्ट है, यहाँ पर इसमें मोटर लगी हुई है। और सर कह रहे हैं ये हार्ले डेविडसन की बेल्ट है, उसकी क्वालिटी की। ठीक है, तो यहाँ से ये बेल्ट ड्रिवन है, ये चार्जर पॉइंट है। तो क्या टाइम लगता है सर इसको चार्जिंग होने में? 4 घंटे में सर कह रहे हैं फुल चार्ज हो जाती है। और नॉर्मल मोड में चलाते हैं तो 80 किलोमीटर की अच्छी रेंज आती है। और ये काफी दिनों से ये चला रहे हैं और काफी खुश हैं इस स्कूटी से। एथर लिए हुए 15-20 दिन ही हुए हैं सर को एथर लिए हुए। 15-20 दिन में सर ने 1000 किलोमीटर चला दिया इलेक्ट्रिक स्कूटी, क्या बात है। ठीक है, चलो हमारी आ चुकी है टियागो सीएनजी, जो कि अभी पेट्रोल मोड में चल रही है। ये एथर है, ये अपनी वार्प मोड में फुल पावर के साथ। मेरे 3 कहने पे स्टार्ट करना, 3-2-1। रुक जाओ भाई, से गियर नहीं डल पाया, न्यूट्रल में वो लॉन्च करने की सोच रहा था। ठीक है, इसमें रिवर्स गियर भी आता है, आप देख सकते हैं रिवर्स में जा रही है, जो कि समटाइम्स बहुत काम की चीज़ है। जैसे आप ढलान पे वो पीछे लेनी हो तो मुश्किल हो जाती है खींचने में। ठीक है, थोड़ी सी और पीछे ले लो सर आप। रेडी है, 3-2-1। मुझे लगता है टियागो का लॉन्च सही नहीं हो पाया, पर एथर आगे खींच गई है और मुझे लगता है कि एथर क्लियर विनर है। एथर क्लियर विनर है, इसको कोई नहीं हरा पाएगा। सही नहीं हो पाया सर, आप क्या कहते हो? लॉन्च तो सही था। नहीं, मुझे नहीं लगता, पेट्रोल में तो उसको व्हील स्पिन मार रही थी, उसने व्हील स्पिन नहीं मारी। बाकी एक इनका ड्रैग रेस हम एथर के साथ स्विफ्ट के करेंगे, ताकि एक क्लियर आइडिया हमें मिल जाए। अभी इस समय यहाँ पे ड्राइवर इंटरचेंज हुए हैं और हमारा वापस एक और राउंड होने वाला है। यहाँ पे हमारे कार के ड्राइवर रेडी हैं और ये हमारे एथर के ड्राइवर भी रेडी हैं। ऑल गुड, ऑल गुड, 1-2-3। एथर का एक और राउंड लिया इन्होंने और इस बार भी एथर क्लियर विनर है। क्लियर विनर एथर, क्या कहना चाहेगा भाई एथर? टियागो का उसके साथ कोई लॉन्च नहीं है, लॉन्च कर रही है। आप देख पा रहे हो जब ये वॉक मोड में चलती है तो उसका एक फैन भी चलता है कूलिंग के लिए, क्योंकि बहुत गर्म हो जाती है वॉक मोड में। क्या कहना सर आपका? क्लियर विनर है। आपको क्या, आप लॉन्च से सेटिस्फाइड हो? बिल्कुल जी, लॉन्च से सेटिस्फाइड हो, मतलब के और उसमें लॉन्च में ना हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। तो आपको क्या लगता है स्विफ्ट से एक चांस दे सकते हैं हम? बिल्कुल, करते हैं एक बार, एक बार ही करते हैं। दोबारा ड्रैग रेस होने वाली है, स्विफ्ट पेट्रोल और अपना एथर। अब ये ड्राइवर दोनों इंटरचेंज है, स्विफ्ट चला रहे हैं अपने सुनील जी, जिनकी है स्विफ्ट। पेट्रोल पे है ना ये, एथर भी नहीं गई है। तो आपको क्या लगता है, आप स्विफ्ट से हरा दोगे एथर को या नहीं? बराबर की टक्कर रहेगी, मैं भी देखते हैं। एसी बंद कर दो और पेट्रोल पे है ना? हाँ, पेट्रोल पे कर लेता हूं। और एसी बंद कर दो। तो सर आप चला रहे हो एथर, तो आपको 3 रेस हार चुका हूँ और इस बार मैं दोबारा जीतने के लिए ट्राई करूंगा। सर सोच रहे मैं एथर से जीत जाऊँ, जीत जाऊँ। और ये सबसे इसका जो सबसे फास्ट मोड है, जो जिस पे बहुत तेज बनते हैं, उस पे ये चला रहे हम। और ये अब ड्रैग रेस स्टार्ट होने वाली है, क्या लगता है भैया आपको?
मुझे लगता है स्विफ्ट जीतनी चाहिए, आई एम अ स्विफ्ट लवर। स्विफ्ट क्योंकि उनके पास भी स्विफ्ट है ना, इसीलिए कह रहे हैं स्विफ्ट जीतनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, ड्राइवर पे भी भरोसा है। 1 2 3 पे स्टार्ट करें। 1 2 3 ओ भाई साहब ले गई एथर। स्विफ्ट का मुझे लग रहा है लॉन्च अच्छा नहीं हुआ, उन्होंने गियर बदल दिया ना यहीं पे। स्विफ्ट का लॉन्च अच्छा नहीं हुआ, एथर जीत गई है अभी। वन टू थ्री अभी आ रही है स्विफ्ट और एथर। ओ स्विफ्ट जीत गई, अब स्विफ्ट जीत गई, एथर हार गई। हमारा ड्राइवर जीता है ना, बच गई, नहीं तो टियागो में दे देते अभी। लॉन्च मैंने कहा सही नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम में लॉन्च हुआ ही नहीं था सही। तो ड्राइवर इंटरचेंज कर देते हैं, मैं एथर चला लेता हूँ, आप नहीं तो आप एथर चला लो। कैसे लग रहे सर आपको? अच्छा तो इसमें कैसे लग रहा है अपने स्विफ्ट चीता गाड़ी को जितवा के? है तो दोनों अपनी, पर सेगमेंट है ना बराबर की टक्कर। तो भाई ड्राइवर इंटरचेंज करते, मैं चलाता हूँ। सर कह रहे हैं ये उनकी लास्ट वीडियो और इनका सपोर्ट, आप लोगों का सपोर्ट चाहते हैं ताकि सर जीत जाए। कंफर्टेबल है भाई एकदम? सेफ्टी गियर्स ऑन है तेरे? सेफ्टी गियर्स ऑन है? वॉप मोड है? वॉप मोड है, ठीक है। ड्राइवर इंटरचेंज हुए हैं स्विफ्ट के, विकास सर। ठीक है, 3 2 1 क्या चीज है अतर? इसको मुझे लग रहा है ओला S1 Pro ही शायद टक्कर दे पाएगा, या कोई इलेक्ट्रिक कार्स। सर ओला S1 Pro की टॉप स्पीड 120 है, 120 है उसकी स्पीड। लॉन्ग रेस में वो जीत सकते हैं, उसका रेंज भी थोड़ा सा ज्यादा है, उसकी एक्चुअली पावर ज्यादा है। ओला वालों से मैंने बात की तो जो भी चला रहा है उसको ये बोला अच्छा है, पावर ज्यादा है, चलता ज्यादा, लेकिन बिल्ड क्वालिटी मैंने चलाई सर एथर, जैसे आपकी अभी देखी, ओला S1 भी देखी। एथर रिनॉन्ड ब्रांड है इंडिया में, और इसका एक और नेक्स्ट मॉडल भी आता है 450X है ना, ये आपका 450 आता है, एक और इससे ऊपर का मॉडल है 450। हाँ नहीं नहीं, एक 450 आता है, वो शायद इससे बड़ी बैटरी है उसमें, उसकी रेंज भी ज्यादा है। श्योर? ठीक है चलो हम देख लेंगे। मुझे लगता है कि स्विफ्ट शायद जीत गई है, या नहीं जीता है पर पिकअप तो सर ने ठीक लिया था मुझे लगता है इस बार। वन टू थ्री उधर से भी इन्होंने स्टार्ट किया है, मुझे लग रहा है इस बार तो स्विफ्ट जीत गई है, क्लियर जीत गई है स्विफ्ट। फुल पावर में आ रही है, गोली और रखी गोली। सर ने एकदम लास्ट मोमेंट पे ब्रेक लिया है, बाकी लोगों का तो दिल मुंह में आ गया था। सर मुझे तो लगा आपने पिटा दी इस बार, ये कहते ज्यादा जोश में आ गए। कह रहे अगली बार जरूर आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा इस बार। बढ़िया नहीं हुआ इस बार। अच्छा तभी तो स्टार्टिंग में ही आगे भागे थे स्विफ्ट। चलो पर भाई दिस कार जस्टिफाइज द नेम स्विफ्ट। नो वन कैन बीट स्विफ्ट, नो वन कैन। इस सेगमेंट में 12 सीसी की में तो कोई नहीं हरा सकती।
सेम सेगमेंट में स्विफ्ट नहीं हरा सकते, स्विफ्ट को कोई नहीं हरा सकता। कैसा लगा सर आपको जीत के फाइनली? आप अच्छा लग रहे हो ये भाई, अच्छे ठीक है। तो ये अब हमारी ड्रैग रेस हो गई है खत्म, एथर और स्विफ्ट की। तो आप देख लेना वीडियो में अब कौन सी गाड़ी जीती है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और भी ड्रैग रेस लाते रहेंगे हम। नेक्स्ट हमारा प्लान है क्रेटा और किया सेल्टोस का, कोई इलेक्ट्रिक कार्स का भी सोच रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाएंगे बढ़िया बढ़िया ड्रैग रेसेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सर कह रहे हैं प्लीज डू सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, एंड वीडियो को पूरा एंड तक देखना।